नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टीएलसी बढ़ने से क्या होता है, टीएलसी बढ़ने पे क्या क्या दिक्कत होती है, टीएलसी को कैसे कम करें, टीएलसी बढ़ने से कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं और कौन सी मेडिसिन देना चाहिए जिससे कि टीएलसी कम हो सके। तो दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों तक और एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पूरा डिटेल्स में टीएलसी को बढ़ने से, टीएलसी बढ़ने से क्या होता है, टीएलसी कैसे कम करें, टीएलसी बढ़ने में कौन कौन सी दवा दी जाती है। दोस्तों टीएलसी हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, जैसे कि टोटल टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल लिकोसाइट काउंट, ठीक है। ब्लड इन्फेक्शन होता है, जैसे कि जब इसकी मात्रा हमारे ब्लड शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो जब इसका टेस्ट होता है लैबोरेटरी टेस्ट किया जाता है तो उसमें हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है। और जब बढ़ती है तो कई रीज़न होते हैं, जैसे कि आपको किडनी फेलियर, किडनी में स्टोन होना, या फैटी लीवर, लीवर में सूजन होना, या आपके पुराना जख्म कोई शरीर के अंदर होना, कभी कभी हेडेक, इस तरह की दिक्कत होती है, या बहुत ज़्यादा लूज मोशन आना, इस तरह की भी दिक्कत होती है, और बहुत वीकनेस होने के कारण से भी कभी कभी टीएलसी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रिसर्च में पाया गया है तो वो होता है कि जब शरीर के पार्ट में कहीं इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में टीएलसी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसको कैसे कम करें, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जो जो मेडिसिन बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और उस मेडिसिन को ध्यान से यूज़ करना, ठीक है। उसकी डोज, साइड इफेक्ट सब बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट देखिएगा ताकि आपकी भी टीएलसी अगर कम है या ज़्यादा है तो आप भी ठीक हो सकते हैं। और अगर आप एक डॉक्टर हैं और प्रैक्टिशनर हैं, और या आप एक स्टूडेंट हैं या आप पेशेंट हैं, ठीक, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला वीडियो, ठीक है। टीएलसी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, टोटल लिकोसाइट काउंट होता है, ये ब्लड शरीर ब्लड के ब्लड में पाया जाता है, हमारे ब्लड इन्फेक्शन होता है। अब जब ये बढ़ता है तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कभी कभी चेस्ट इन्फेक्शन होता है, मतलब फेफड़े पे इन्फेक्शन, फेफड़े में कफ जम जाना, बलगम जम जाना, या फेफड़े में कहीं जख्म या किस तरह के गांठ की दिक्कत होती है तो टीएलसी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं, अगर आपकी टीएलसी बढ़ी है तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना, अगर वो डॉक्टर आपको टेस्ट लिखता है, ब्लड टेस्ट लिखता है, तो आप करवाइए, फिर उसको रिपोर्ट दिखाइए, ठीक है। अगर आपके पास दिखाने की सुविधा नहीं तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैं आपको टेस्ट का नाम बता दूंगा और आपकी रिपोर्ट देख करके मैं दवा आपको यहाँ से प्रिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो टेस्ट होता है इसका आपके ब्लड सैंपल से होता है, जो कि आपको 1 से 2 ml ब्लड देना होता है पैथोलॉजी में जाकर के, और वो रिपोर्ट आपको 1 से 2 घंटे के अंदर दे देते हैं, ठीक है। और बहुत सस्ती, मतलब बहुत कम पैसे में इसकी रिपोर्ट होती है, तैयार हो जाती है, जैसे कि 400 रुपये के आसपास में हो जाती है। टेस्ट का नाम होता है सीबीसीबिडाल टेस्ट। अब सीबीसीबिडाल टेस्ट में आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि टीएलसी का टेस्ट क्या है, तो सीबीसी के अंदर ही टीएलसी आती है, प्लेटलेट काउंट आता है, एसआर आता है, इश्नोफिल आती है, इस तरह की दिक्कतें होती हैं, तो ये पैथोलॉजी में टेस्ट होता है। अगर ये बड़ा होता है तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर ये कम होता है, अगर टीएलसी किसी की कम है, बहुत ज़्यादा कम है, 2500 है, 2000, 3000 के आसपास में है, तो उसके बारे में वीडियो बना के रखा है यूट्यूब चैनल पे, आपने आप जाके वीडियो को डिटेल्स में देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। और टीएलसी कम जिनकी हो रही हो, बाकी ये वीडियो मेरा है टीएलसी बढ़ने पर क्या क्या दिक्कत होती है, कौन कौन सी मेडिसिन देना चाहिए। तो अगर आपकी टीएलसी बढ़ी हुई है, 15,000 16,000 है नॉर्मल रेंज, आपको बता दें कि टीएलसी की नॉर्मल रेंज होती है 4,000 से 11,000 के आसपास होती है नॉर्मल रेंज, लेकिन अगर ये बढ़ती है तो 15,000 16,000 के आसपास होती है, तो आपको समझो बड़ा दिक्कत है, ठीक है। अब इसको कैसे कम करना है, तो इसके लिए एक इंजेक्शन आता है, मेरोपेनम 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। इस इंजेक्शन को आपको 100 ml NS में डाल करके 5 दिन तक लगवाना है, 5 इंजेक्शन से ज़्यादा लगवाना नहीं है। टेबलेट आती है सिफाकेंड 500 mg की, जो कि सुबह शाम खाना रहता है, मैनकाइंड कंपनी की टेबलेट होती है, ये 550 रुपये के आसपास में टेबलेट होती है, पत्ते के हिसाब से 10 टेबलेट का स्टेप होता है। तो आप ये ट्रीटमेंट आपका लंबा चलता है, 1 वीक के आसपास चलता है, यानी कि 7 से 8 दिन तक चलेगा, तो आप ये मेडिसिन ले करके आप खा सकते हो। एक इंजेक्शन पेंटाप आई भी आता है, इसको लगवाना है सुबह शाम में, और आपको मेरोपेनम लगवाना है। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट आती है, जो को 5 दिन तक दोपहर में खाना है, ठीक है। तो ये एक इंजेक्शन हुआ मेरोपेनम, सेफाकेंड टेबलेट हुई, और एक हुआ वो टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500, ठीक है। तो ये टेबलेट आपको लेना है और आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये टीएलसी के बढ़ने के बारे में वीडियो था और वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।